हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विशाल फर्नीचर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल फर्नीचर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों कि स्लाइडिंग डोर कैसे लगाया जाता है, दोस्तों इसका जो चैनल रहता है इसको कैसे फिट करते हैं, अगर आप नए कारपेंटर हैं या मीडियम कारपेंटर हैं, इस प्रकार का जो स्लाइडिंग चैनल होता है दोस्तों इसको कैसे फिट किया जाता है, इसको कैसे लगाते हैं, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे दोस्तों तो आपको कहीं पर भी कभी भी लगाना है आप आराम से लगा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये इसका चैनल रहता है दोस्तों। आपको छोटा पीस ले लिए दिखाने के लिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, जितना जल्दी हो पाएगा और जितना कम समय में आपको पूरा फिटिंग लगा के दिखाना है हम दिखाएंगे और बताएंगे भी। देखिए दोस्तों ये जो चैनल है इस प्रकार से रहता है और इसमें जो आपका सिस्टम कैसे कैसे बैठेगा वीडियो को आप पूरा देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा वीडियो है, आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। ये देखिए दोस्तों इसका जो साइज़ रहता है वो 3 इंच 2 सूत रहता है दोस्तों, और इसका हाइट जो है अब नया चैनल जो आया दोस्तों इसका आप हाइट देखेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं ये आपका 40 mm से ज़्यादा है थोड़ा सा, यानी कि 41 mm बता रहे हैं। अगर ऐसे आप देखेंगे तो 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच 450 ये है हाइट में। ये दोस्तों आपका ऊपर का चैनल रहता है और ये देखिए दोस्तों नीचे का जो चैनल इस प्रकार से रहता है, ये तो बहुत पतला है, खाली इसमें आपको जो व्हील्स रहता है वो चलेगा। तो चैनल है दोस्तों, आप चैनल देख चुके, अब आपको इसका पूरा व्हील्स आपको दिखाते हैं दोस्तों कैसा रहता है। तो ये देखिए दोस्तों ये इसका 2 व्हील्स है, अभी आपको ओपन करके दिखाएंगे। और ये जो दो है दोस्तों ये इसका सिस्टम है ऊपर का, जिसमें कि फंस के इसका हाइड्रोलिक जो रहता है यानी कि इसका जो शाफ्ट क्लोजिंग काम करता है दोस्तों ये एसी से काम करेगा। और ये जो है दोस्तों इसका शाफ्ट क्लोजर जो ये दोनों यही है, तो इसको आपको ओपन करके दिखाते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड अब आपको दिखाते हैं, देखिए ये है दोस्तों इसका नीचे का जो व्हील्स रहता है दोस्तों, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मजबूत है दोस्तों। और इसके लिए आपको जो है कुछ भी ग्रू या फिर खांचा कट करने का ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लगाना है दरवाजे पे, कुछ इस प्रकार से लगा देना दोस्तों, इसमें स्क्रू टाइट कर देंगे, ये जो है बिल्कुल रेडी रहेगा आपको स्लाइडिंग चलाने के लिए। तो इसका देख सकते हो दोस्तों जो स्प्रिंग है बहुत हार्ड है दोस्तों, यानी कि ऑटो सिस्टम पर काम करेगा। मान लीजिए कहीं पर आपका जो है बॉटम में नहीं है, ऊपर नीचे से एडजस्टमेंट नहीं है दोस्तों, तो जहाँ पर इसको कम जगह चाहिए वहाँ पर कम हो जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा चाहिए वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार का दो है दोस्तों एक डोर में ये जो है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों व्हील्स तो दो ही दिया है, ये 2 नीचे लग जाएगा तो ऊपर के लिए व्हील्स नहीं है इसमें। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऊपर व्हील्स नहीं देता है, ये जो रहता है दोस्तों ये हमारा ये इसका शाफ्ट क्लोजिंग भी है, ये व्हील्स भी है, ये देखेंगे दोस्तों साइड साइड में। ये अभी आपको इसको चैनल में लगा के दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। ये दोस्तों ये व्हील्स की तरह भी काम करता है और शाफ्ट क्लोजर भी इसी में लगा हुआ है। और ये जो है दोस्तों ये ऊपर फिट होगा अपने चैनल में, ये फिक्सेड रहेगा, ये अपना दरवाजे में रहेगा। एक बार आपको लगा के दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए ये जो है ये अपना ये ऊपर फिक्स रहेगा दोस्तों, ये देखिए ये देखिए फ्रेंड ये बैठा है। तो ये इस प्रकार से ये आपका जो दरवाज़ा है दोस्तों दरवाजे के थिकनेस में कैसे लगेगा वो आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों ये जो आपका दरवाज़ा रहेगा यानी कि स्लाइडिंग यहाँ पर ऐसा कुछ इस प्रकार से लगेगा दोस्तों, तो इसको लगा के बताएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ज़रूरी समझना ये है कि ये जो आपका स्लाइडिंग का जो ऊपर का सिस्टम रहेगा ये जो ये कहाँ पे आपको लगाना है, ये कैसे काम करेगा और इसको कितना साइज पे रखना है, तो इसके लिए आपको मेजरमेंट आपको बता देते हैं। आपको बताते हैं, देखिए सबसे पहले आपको ज़रूरी ये है जानना कि ऊपर का जो ये शाफ्ट क्लोजर होता है दोस्तों इसको कितना साइज़ पर लगाना पड़ता है। ये तो आपको दरवाजे में स्टार्टिंग से लग जाएगा दोस्तों, ये जो फिटिंग आपको कितना पर लगाना है इसका मेजरमेंट जानना आपको ज़रूरी है दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका ग्रिप दिया है, यहाँ पर इस प्रकार से इसको रख देंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखेंगे हम मेजरमेंट करेंगे कि यहाँ से स्टार्टिंग कितना बता रहा है। ये देखेंगे दोस्तों ये अपना जो है 3 इंच स्टार्टिंग बता रहा है, यानी कि अगर आपको बताते हैं दोस्तों हम, अब देखिए फ्रेंड ये हमारा चैनल है दोस्तों, ये यहाँ से लेवल करेंगे दोस्तों तो ये जो है 3 इंच यानी कि यहाँ से ये देख सकते हैं 3 इंच बता रहा है। तो ये जो अपना फिटिंग है दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसमें बैठता है, इसको लगा के भी बैठाते हैं दिखाते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं ये दोस्तों दोनों तरफ से इसमें फिक्स होगा आराम से। और फिक्स होने के बाद में इसमें आपको स्क्रू टाइट कर देना रहता है, देख सकते हैं। अब यहाँ से साइड से जो आपको मेजरमेंट इसको रखना है दोस्तों वो 3 इंच अंदर रखना है, तब जाके आपको जो शाफ्ट क्लोजिंग है दोस्तों ये बराबर से काम करेगा।
तो ये आपको बता चुके दोस्तों, ये भी आपको बता चुके। अब चलिए दोस्तों आपको दरवाजे का साइज़ भी बताएंगे, इसको कैसे लगाते हैं वो बताते हैं। देख सकते हैं ये चैनल है, इसको हम बराबर साइज़ में कट कर लिए दोस्तों। हमारा जो बॉक्स है उसके अंदर अंदर कितना साइज़ उसके हिसाब से सबसे पहले ये वाला फिटिंग हम लोगों को लगाना रहता है दोस्तों, और इसको लगाएंगे। उससे पहले दोस्तों आपको कुछ दिखा देते हैं, हम आपको भूल गए थे दिखाए थे नहीं। यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर जो इसका जो कैपेसिटी बता रहा है वेट, यानी कि 30 से आपको 50 यानी कि 30 से 50 के जी तक वेट आप लगा सकते हैं एक दरवाजे पे। अब देखेंगे दो तरफ से यहाँ से ऐसे बता रहा है। तो सबसे पहले ये वाला जो फिटिंग है इसको हम फिक्स करेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये बाहर रहेगा ये अंदर रहेगा, यानी कि जो है ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बैठेगा दोस्तों, और ये अभी इस प्रकार से आपको बैठा देना है। बाद में दोस्तों इसको हम एडजस्ट करेंगे, यहाँ से 3 इंच बोल रहा है तो हम 3 इंच अंदर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा वाला भी यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि टोटल 4 सॉफ्ट क्लोजर देता है दोस्तों सॉफ्ट क्लोजिंग करने के लिए इसका, कि ताकि दरवाज़ा आवाज़ ना करे और बिल्कुल आराम आराम से बैठे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से एक क्लिप दिया है जिससे थोड़ा सा टाइट रहता है अभी फंसाने के लिए, बाद में इसको हम स्क्रू से फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे फिक्स करते हैं दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों, दो यहाँ पर हम फिक्स कर दिए हैं, और ये जो हमारा डोर रहेगा दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से, इसमें ये जो चैनल रहता है दोस्तों आपको नहीं बताएं, देखिए ये हमारा चैनल कुछ इस प्रकार से इसमें बैठेगा। ये देखिए फ्रेंड, यानी कि ये जो साइड में है दोस्तों ये व्हील्स का भी काम करेगा और ये सॉफ्ट क्लोजिंग का भी काम करेगा। तो यहाँ पे हम लगा चुके हैं, सेम उस तरफ भी लगा देते हैं दोस्तों। दोनों तरफ का जो सॉफ्ट क्लोजिंग का इसका सिस्टम दिया है दोस्तों, ये हम लोग लगा चुके हैं। अब दोस्तों हमारा जो चैनल है इसमें हम फ्री होल कर लेंगे ताकि इसको अच्छा से सेट कर पाएँ, और स्क्रू जो हम इसमें टाइट करें दोस्तों वो आराम से बैठ जाए, इसलिए इसमें फ्री होल करेंगे। तो ये हमारा नीचे का चैनल है दोस्तों, इसमें भी फ्री होल कर लेते हैं। फ्री होल करने के बाद दोस्तों इसको हम सेट करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा फुल वीडियो है ये। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं, ये हमारा नीचे का चैनल है, अब इसको चलिए फिक्स करेंगे, ऊपर का भी हम फिक्स करेंगे। तो फ्रेंड ये जो हमारा चैनल है, सबसे पहले इसको फिक्सिंग कर देते हैं। तो ऊपर सामने से जो है इसको हम थोड़ा सा अंदर रखेंगे, यानी कि 1 mm यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों ऊपर का जो हमारा चैनल है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों ये चैनल फिट कर देते हैं, यहाँ पर हम 1.25 इंच का स्क्रू लगा रहे हैं दोस्तों। ऊपर का चैनल जो हम फिटिंग कर रहे हैं दोस्तों, सामने से जो है 1 mm अंदर कर रहे हैं, ताकि जब लेमिनेट लगाएंगे दोस्तों वो बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों नीचे का चैनल फिट करेंगे। तो ये देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो ऊपर का चैनल फिटिंग है दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका। अब दोस्तों आपको नीचे का चैनल फिट करके दिखाते हैं। तो ये ऊपर का जो चैनल था इसको हम लोग फिक्स कर चुके हैं, सामने से जो है 1 mm इसको अंदर रखे हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप देखेंगे नीचे का जो चैनल है दोस्तों ये छोटा है, यानी कि आप देखेंगे दोस्तों कितना छोटा है वो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ से हम लेबल कर चुके हैं दोस्तों, और उसके बाद आप यहाँ से मेजर मार्किंग कर देंगे, एक यहाँ से मार्किंग कर देंगे, यानी कि ये जो हमारा साइज़ में देखेंगे दोस्तों तो 1 इंच छोटा है ये। दोस्तों हमारा जो नीचे का चैनल है ये वाला, इसको हम सामने से यहाँ पे जितना हमारा स्लाइडिंग डोर लगाने वाला है दोस्तों 1.25 इंच अंदर करने वाले हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ब्लैक बोर्ड है दोस्तों, इसके बराबर हम इसको अंदर रखेंगे और यहाँ पर स्क्रू टाइट कर देंगे हम। और इसी प्रकार से दोस्तों हम साइड में भी दो तरफ स्क्रू टाइट करने के बाद में सेंटर में टाइट करेंगे। तो फ्रेंड ऊपर का चैनल हम लोग फिक्स कर चुके हैं, नीचे का भी चैनल हम लोग लगा चुके हैं दोस्तों। अब इसका जो दरवाज़ा है वो कैसे लगाते हैं दोस्तों, उसके लिए दोस्तों दरवाजे का मेजरमेंट रहना जरूरी है, कि आपका जो मेजरमेंट कितना आ रहा है दरवाजे का साइज़, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं रहेगा दोस्तों तो छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है, वो परफेक्ट नहीं चलेगा। उसके लिए आपको मेजरमेंट रखना जरूरी होगा, कि मेजरमेंट कितना है दोस्तों। ये जो सॉफ्ट क्लोजिंग सिस्टम है दोस्तों, ये और ऊपर का जो आपको ब्लैक वाला क्लिप दिखाया था दोस्तों, वो दोनों मिला के ऊपर का जो सिस्टम बन रहा है दोस्तों वो 1 इंच 1 फुट बन रहा है। और नीचे का ये जो व्हील्स है दोस्तों, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से साइड से दिख रहा होगा और यहाँ से भी दिख रहा होगा, ये जो है 3 फुट और 1 फुट हम लूज करेंगे, यानी कि टोटल अगर आप बॉक्स का साइज देखेंगे दोस्तों, बॉक्स के अंदर अंदर कितना साइज है उससे हम 1.5 इंच छोटा अपना बॉक्स का जो दरवाजा है वो कटिंग कर लेंगे। उसके बाद ये जो फिटिंग हम लगा देंगे, उसके बाद हमारा जो स्लाइडिंग है दोस्तों वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा चलने के लिए। आपको दरवाजे का साइज भी आपको दिखाते हैं दोस्तों, कि हमारा बॉक्स के अंदर कितना है और अपना जो दरवाजा का साइज है वो कितना कटिंग करें। तो चलिए दोस्तों वो भी दिखाते हैं। ये देखिए इसके अंदर अंदर हम ये मेजरमेंट करेंगे, हमारा अंदर अंदर यहाँ पे टच कर चुके हैं। अब आपको नजदीक से दिखाएंगे दोस्तों कि हमारा जो ऊपर कितना आ रहा है और दरवाजे का साइज हम लोग कितना रखें। तो आप लोग देख लीजिएगा बिल्कुल दोस्तों नजदीक से, कि कितना इंच यहाँ पे दिख रहा है। ये देख सकते हो दोस्तों 78 3 फुट हमारा जो है ये मेजरमेंट बता रहा है, यानी कि बॉक्स के बॉक्स तक।
अब दोस्तों दरवाजे का साइज आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं अपना जो है 78 तीन सूत बता रहा था दोस्तों, ये देखिए हमारा टेप वहाँ से जो है एक सूत ये बड़ा ये छोटा और भी हम काटे हैं, बिल्कुल वहाँ से टच रहेगा दोस्तों। अभी आपको नज़दीक से दिखा देते हैं, ये देखिए हमारा 78 छः सूत बता रहा है यहाँ पे, नज़दीक से आपको दिखाएंगे दोस्तों 76 छः सूत बता रहा है ये हमारा मेजरमेंट। और अपना जो बॉक्स का साइज था दोस्तों 78 तीन सूत था, यानी कि जो है हम 530 को माइनस रखें दोस्तों, आपको जो ये डेढ़ इंच बताएं उससे एक सूत हम लोग इसको थोड़ा सा और लूज़ कर दिए हैं। तो फ्रेंड देखिए इसका जो इस प्रकार का सिस्टम देता है, आपको कुछ करना नहीं है, जो व्हील्स रहता है डायरेक्ट यहाँ पे हम लगा देंगे। ये हमारा 8 mm प्लाईवुड है दोस्तों, इसके ऊपर आपको नहीं लगाना है, ये 8 mm थोड़ा सा अंदर रहना चाहिए आपको, अगर आपका 1.25 का दरवाज़ा लगा रहे हैं तो। ये देखिए इसमें स्क्रू टाइट कर देंगे दोस्तों इस प्रकार से, आपको कुछ भी ग्रू नहीं करना है दोस्तों इसके लिए, कि आपको कुछ खांचा कट करना है या फिर कुछ भी करना है। तो देखिए यहाँ पे हम इस प्रकार से फिक्स कर देंगे, और ये जो हमारा दूसरा है दोस्तों उसको भी यहाँ पे इस प्रकार से फिक्स करेंगे। अभी के लिए हम 4-4 स्क्रू लगा देंगे दोस्तों इसको, बाद में इसको जो है और 2 स्क्रू जो लगाना रहता है दोस्तों लेमिनेट प्रेसिंग के टाइम पे इसको फिक्स करेंगे हम। दोस्तों ये हमारा नीचे का दोनों व्हील्स लग चुका है। तो फ्रेंड इसका जो व्हील्स था हम लोग सेट कर चुके हैं, अब ऊपर का जो शाफ्ट क्लोजिंग रहता है इसका सेटिंग करना रहता है, वो भी सेट करेंगे दोस्तों, उसके बाद इसको दरवाजे को लगाते हैं। चलिए तो फ्रेंड देखिए ये ऊपर का शाफ्ट क्लोजर है दोस्तों, इसको लगाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे जो एक क्लिप दिख रहा है दोस्तों, ये पत्ती दिख रहा है, इसको जो आप यहाँ पे कट करना पड़ता है, लेकिन हम एज बेंडिंग लगाएंगे दोस्तों, तो एज बेंडिंग में कटिंग कर देंगे तो ये लेवल हो जाएगा। और नीचे से आप देखेंगे दोस्तों यहाँ से भी थोड़ा सा ये कटिंग करके यहाँ पे अगर आपको लेवल चाहिए दोस्तों तो इसके लिए भी कट करना पड़ता है, देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दे दोस्तों, ये देख सकते हैं ये जो स्क्रू है और ये नीचे का जो क्लिप देख रहे हैं थोड़ा सा ग्रू दे रहा है, इसको कट करके आपको अंदर बैठाना रहता है। तो हम एज बेंडिंग जब लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये एज बेंडिंग बराबर इसको हम छोटा कर चुके हैं पहले से, अब आपको दिखाते हैं दोस्तों, इसको बिल्कुल सेंटर में स्क्रू टाइट कर देंगे एक, ये हो चुका। और उसके बाद यहाँ पर सेंटर में एक स्क्रू टाइट करेंगे हम, ये फिक्स कर चुके दोस्तों दोनों, आपको देख सकते हैं सॉफ्ट क्लोजिंग यहाँ पे हम फिक्स कर दिए हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं ये हमारा एक तरफ का है और ये जो है हमारा दूसरा तरफ का है। अब दोस्तों इसको हम लगाते हैं, दोस्तों इसको लगाने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर लगाना है, ये देखिए, और उसके बाद में इसका जो व्हील्स है वहाँ पर रख देना है। अब देखिए फ्रेंड एक ही बार में बिल्कुल सेट हो गया, बहुत स्मूथ चल रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं। ये दोस्तों हमारा 1 finger है, देख सकते हो छोटा वाला, इससे टच करेंगे, ये देखिए कितना स्मूथ चल रहा है और थोड़ा सा भी ये आवाज़ नहीं करेगा। और दोस्तों इसका जो शॉफ्ट क्लोजिंग है साइड का वो अभी हम फिक्स नहीं किए हैं, देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छा चल रहा है ये। तो फ्रेंड देख सकते हैं दोनों जो हमारा स्लाइडिंग डोर था दोस्तों इसको हम लोग लगा चुके, जगह थोड़ा सा कम है दोस्तों इसलिए आपको बराबर से नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए माफ़ी मांगूंगा दोस्तों आप लोगों से। ये देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, बहुत एक ही बार टच करने पर बिल्कुल साइलेंट चल रहा है दोस्तों। इसका सॉफ्ट क्लोजिंग भी बहुत अच्छा है, इसका व्हील्स भी बहुत अच्छा है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और लगाने का तरीका आपको बता दिए, ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो पीछे का दरवाज़ा है वो थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, इससे आप 1-1.5 inch जितना जो है हो सकता है उतना बड़ा कर सकते हैं। और जो आपका सेंटर आता है दोस्तों उतना जो आपका दरवाज़ा बाहर वाला जो दरवाज़ा होता है दोस्तों आपके सेंटर बराबर कट कर दीजिए। अब बंद करने के बाद दोस्तों ऐसा दिखेगा आपको कि दोनों जो है दरवाज़ा आपको बराबर साइज में है, देख सकते हैं। जो आपका बराबर साइज करना है दोस्तों यानी कि सेंटर वाला है वो आप बाहर रखिएगा, और जो आपका बड़ा दरवाज़ा दोस्तों वो आपका पीछे रहेगा, तब दिखने में जो है आपको बिल्कुल सेंटर दिखेगा दोस्तों। तो ये देख सकते हैं ये फिक्स हो चुका है, देखिए दोस्तों बहुत स्मूथ चल रहा है। तो दोस्तों हमारा जो स्लाइडिंग डोर लगाना था दोस्तों बिल्कुल लगा के कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों आपको इसका जो सॉफ्ट क्लोजिंग कैसे काम करता है वो आपको सेट करके नहीं दिखाएं, इसलिए क्योंकि ये जो हमारा दरवाज़ा है दोस्तों इस साइड में और इस साइड में दोनों तरफ एज बेंडिंग लगेगा, और ऊपर का जो है दोस्तों ऊपर भी हम लोग लेमिनेट लगाने वाले हैं, नीचे एक तरफ लेमिनेट लगाने वाले हैं, इसलिए इसका अभी जो सॉफ्ट क्लोजिंग सेट नहीं किए, क्योंकि तो अगर अभी सेट कर देते हैं बाद में जब इसको निकालेंगे दोस्तों तो इसका जो स्क्रू है इधर उधर हो जाएगा और बाद में फिर हमको सेट करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए अभी सेट नहीं करें दोस्तों। इसका सेटिंग का वीडियो हम एक सेपरेट लेके आएंगे, उस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको कैसे सेट करते हैं।
तो फ्रेंड अब आप देख चुके हैं कि स्लाइडिंग चैनल किस प्रकार से लगाया जाता है दोस्तों। इस प्रकार का जो चैनल होता है दोस्तों, ये अभी नया चैनल है, बहुत जगह पे नहीं आया है दोस्तों, और ये जो है बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। पहले क्या होता था दोस्तों, जो दूसरा स्लाइडिंग चैनल आता था उसका व्हील्स तो ठीक था दोस्तों, ऊपर का जो हाइड्रोलिक रहता है दोस्तों, इसका जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म रहता है वो बराबर से काम नहीं करता था दोस्तों, वो टूट जाता था। अभी जो है दोस्तों, इसमें टूटेगा नहीं। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं दोस्तों, तो कहीं पर भी लगा सकते हैं, और इसमें चाहे जितना मोटर डोर्स आप लगा सकते हैं दोस्तों, कोई भी वेट का दिक्कत नहीं है कि आप ज़्यादा वेट लगा दिए तो स्लाइडिंग जो है आपका बराबर से नहीं चलेगा, तो ऐसा दिक्कत इस चैनल में आपको नहीं आने वाला है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों, तो आपको मालूम हो गया होगा कि इसको जो है कैसे लगाया जाता है दोस्तों। तो अगर आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे विशाल फर्नीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।